दोस्तों हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है एंड आई थॉट कि इसका जो आंसर है वो हर बिगनर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम जब प्लेटफॉर्म के साथ प्ले करते हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड आती है और हमारी जो स्ट्रमिंग है वो स्पॉयल हो जाती है। सो गाइज इसके पीछे हैं हमारे टोटल 3 रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज कि आप अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा जोर से होल्ड करते हो और जोर से होल्ड करने के बाद अगर बहुत ही स्लो स्पीड में आप डाउन स्ट्रम भी करोगे तो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड आएगी। आपको इसको हल्के हाथों से बहुत ही सॉफ्टली जो है वो होल्ड करना है लाइक दिस। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको हार्डली होल्ड करते हो तो आपकी जो रिस्ट है वो लॉक हो जाती है और आपको स्ट्रमिंग करने के लिए आपकी एल्बो को हिलाना पड़ता है लाइक दिस। तो जब आप एल्बो को हिलाते हो तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगती है। तो रैदर देन दिस आपको आपकी रिस्ट को मूव करना है। तीसरा पॉइंट गाइस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी जो स्ट्रमिंग है वो पूरी 6 की 6 स्ट्रिंग के ऊपर करनी है। एड डायनेमिक्स टू इट, आप अपना जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो अपर स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हो, बाकी सारी स्ट्रमिंग आप नीचे की 4 वायर के ऊपर करो। बहुत ही अच्छा टेक्स्चर मिलेगा आपकी स्ट्रमिंग को लाइक दिस। I hope guys this will help you.